हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्त एंड कश्यप स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के एग्जांपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगी। तो ये मेरी पार्ट थ्री वाली वीडियो है, तो मैंने पार्ट टू वाली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बता दिए थे, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल रह गए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसके रूल में एस या फिर ईएस कहाँ लगाया जाता है? जब सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, कोई भी नेम होता है, रमेश, दिनेश आदि कोई भी नेम होता है, तो सब्जेक्ट जो भी होता है उसमें सिंगुलर होता है ना, तो उसमें हमारा एस या फिर ईएस लगता है। अगर प्लूरल होता है, आई वी दे यू, अगर ये आता है सब्जेक्ट आदि, तो ये हमारा इसमें, ये तो अकेला नहीं है ना, ये तो बहुत सारे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो ये एस या ईएस नहीं लगेगा। सिंगुलर कौन होता है? एक वचन, यानी कि उसके संग कोई नहीं होता है, इसलिए एस या ईएस लगाया जाता है, क्योंकि उसको भी एक साथ की जरूरत होती है। लेकिन प्लूरल, प्लूरल में बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं, यानी कि बहुवचन, तो इसमें बहुत सारे होते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ऐसे आई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या फिर ई एस प्लस सकारात्मक वाक्य का रूल। फिर सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नहीं वाले वाक्य, इसमें हमारा डू या फिर डस आता है। तो अब जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ रहे, तो उसमें एस या फिर ई एस आता है, तो डज में जो डी ओ ई एस यानी कि ई एस आ रहा है, तो वो हमारा सिंगुलर के संग लगेगा डज, और प्लूरल के संग डू लगेगा। क्यों? क्योंकि एस या फिर ई एस उसमें नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा प्लूरल के संग लगेगा। इसका रूल होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। उसका रूल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है कि इंग्लिश क्या बनेगी? वह क्या है हमारा, क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वह नहीं, अब इसमें देखो पहले यहाँ पे ता है आ रहा है, तो अब ता है आता है, तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक सेंटेंस है। अब इसमें नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि नेगेटिव का है, लेकिन नेगेटिव में हमेशा नहीं वाले वाक्य आते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, यानी कि वह सब्जेक्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक है, तो उसके संग अकेला है, उसके संग क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे, ही डज, और डज के बाद नॉट, ही डज नॉट। अब हमारी वर्ब क्या है, हमारी जाता है, जाता है इंग्लिश क्या बनेगी, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्कूल बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वह क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश बनेगी ही। अब ही क्या है हमारा सिंगुलर,
इसके साथ डज लगेगा अगर प्लूरल होता, वैसे प्लूरल नहीं है, अगर यहाँ हम होता तो डू लगता, वी के साथ डू, तो यहाँ पे ये तो डज लगेगा, ही डज, डज के बाद नॉट, नॉट जाता, जाता की इंग्लिश क्या बनेगी, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, तो स्कूल, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ता हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तो नहीं आ रहा है तो नेगेटिव का है, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है ये। अब इसमें मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इसमें ये नहीं आएगा डज नॉट, ये नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कभी नहीं है, और कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर, तो यहाँ पे डू और डज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं, जहाँ पे कभी नहीं आता है वहां पे नेवर लगता है, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है। अब मैं का इंग्लिश होती है आई, कभी नहीं यानी कि झूठ, कभी नहीं यानी कि नेवर, आई नेवर। अब इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, वर्ब क्या है, बोलता हूँ, बोलते को क्या बोलते हैं, टेल, बोलता हूँ क्या, टेल, आई नेवर टेल झूठ, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाई, आई नेवर टेल लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है शुरू में डू या फिर डज आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, आप पहचान जाओगे कि हाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इस तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है हमारा जो क्या से शुरू होता है, जो ये वाला जो अभी है, क्या आप खाना खाते हैं, तो ये क्या से शुरू है, और जो दूसरे तरीके का, दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वो मैं आपको इसके करने के बारे बताऊंगी। तो इसमें एग्जाम्पल है, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाते हैं, तो इसमें क्या आप क्या है, आप की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू क्या है हमारा, प्लूरल, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, फिर डू। तो इसमें ना एक बात और है कि यहाँ पे ते है आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है। अब आप कैसे समझोगे, अगर आपको तीनों जो है, तीनों चाहे सेंटेंस जो है वो मिक्स करके दे दिए, उसमें से ये आ रहा है, और उसमें आप बोलोगे कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, कैसे पहचानोगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, तो क्या आप खाना खाते, इसमें क्या है, हमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तभी तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इसलिए हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर यहाँ पे क्या है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या आप खाना खाते हैं, है ना, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आप समझ जाओगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्या की स्पेलिंग यहाँ पे, क्या की इंग्लिश यहाँ पे डू आएगी, क्योंकि यू जो है, यू हमारा प्लूरल है, डू यू, डू यू, ठीक है, यहाँ पे यू आ गया, इसके बाद हमने डू डज भी लगा दिया, डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे खाते हैं आ रहा है ना, तो खाते हैं को हम क्या बोलते हैं, ईट, खाने को हम कहते हैं ईट। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो ईट द फूड, तो इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा डू यू ईट द फूड, ये आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो वह, वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही, और ही क्या हमारा,
सिंगुलर, तो ही के संग क्या लगेगा? डू के डज लगेगा। सिंगुलर के संग हमेशा क्या लगता है? डज लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या की जो इंग्लिश आएगी वो यहाँ पे डज आएगी। डज ही, डज में ना एक बात और है कि यहाँ पे ते है आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है। अब आप कैसे समझोगे अगर आपको तीनों जो है, तीनों चाहिए सेंटेंस जो है वो मिक्स करके दे दिए, उसमें से ये आ रहा है, उसमें आप बोलोगे कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, कैसे पहचानोगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, तो क्या आप खाना खाते हैं, इसमें क्या है, हमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तभी तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम इसलिए हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर यहाँ पे क्या है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या आप खाना खाते हैं, है ना, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आप समझ जाओगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्या की स्पेलिंग यहाँ पे, क्या की इंग्लिश यहाँ पे डू आएगी, क्योंकि यू जो है, यू हमारा प्लूरल है, डू यू, डू यू, ठीक है, यहाँ पे यू आ गया, इसके बाद हमने डू डज भी लगा दिया, डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे खाते हैं आ रहा है ना, तो खाते हैं को हम क्या बोलते हैं, ईट, खाने को हम कहते हैं ईट। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो ईट द फूड, तो इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा डू यू ईट द फूड ये आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही, और ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो ही के संग क्या लगेगा, डू की डस लगेगा, सिंगुलर के संग हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या की जो इंग्लिश आएगी वो यहाँ पे डज आएगी। डज ही, डज ही, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नहीं आ रहा है, तो नॉट लगाना है, तो डज ही नॉट, तुमने नॉट लगा दिया है, फिर जाता है कि इंग्लिश क्या बनती है, गो। तो अब ऑब्जेक्ट क्या बचा है हमारा, घर, तो घर की इंग्लिश क्या होती है, हाउस, हाउस भी लिख सकते हो आप या होम भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे हाउस लिख रही हूँ, और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे कहलाएगा? तो यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप था इंटरोगेटिव सेंटेंस में, दो तरीके के सेंटेंस आते हैं, पहला क्या वाले, इसमें शुरू में क्या आता है, और दूसरे जिसके सेंटेंस में ही बीच में कब, क्या, क्यों, इस तरीके के आते हैं। तो सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले, जिसमें सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, क्या, ये सब आता है। डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे यहाँ पे वह स्कूल कब जाता है, तो इसमें कब बीच में आया, इसमें तुम वहां क्यों जाते हो, क्यों इसमें बीच में आया। तो पिछले जो मैंने आपको बताया था ना, जो फर्स्ट टाइप को बताया था सेंटेंस, उसमें क्या कब ये सब शुरू में आया था, सेंटेंस के शुरू में आया था, तो उसमें, लेकिन उसमें भी हमें शुरू में इसका मीनिंग वो लिखना था, जैसे यहाँ पे लेकिन कब आया, आ रहा है बीच में, लेकिन इसकी जो हम स्पेलिंग लिखेंगे, इसकी जो इंग्लिश लिखेंगे वो हम सेंटेंस के शुरू में ही लिखेंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली में इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है डब्ल्यू एच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सारा जो जो रूल है वो बिल्कुल सेम है, बस डब्ल्यू एच इसमें जोड़ दिया है। तो डब्ल्यू एच फैमिली के वो होते हैं जो डब्ल्यू से और एच से शुरू होते हैं, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, व्हाट, ईटीसी, तो ये तो मेरा हो गया डब्ल्यू से शुरू होने वाले, और एच से शुरू होने वाले हाउ, हाउ मैनी,
तो यहाँ पे डब्ल्यू से शुरू होने वाले भू भट्ट होम भाए ये भी होते हैं, आदि होते हैं। हाँ, और जो एच से शुरू होते हैं वो होते हैं, एच से जो वर्ड शुरू होते हैं वो होते हैं हाउ हाउ मैनी हाउ मच आदि। ऐसे ही और बहुत सारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो अब हम ये सेंटेंस करते हैं, वह स्कूल कब जाता है। तो हमने क्या देखा था कि डब्ल्यू एच फैमिली ये कब है, ये जो बीच में आ रहा है ना, इसके इसके इंग्लिश हमें शुरू में लिखनी है। तो कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, व्हेन वह ही आ जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा डू डज लगेगा ना इसके बाद, डू डज लगेगा। तो अब वह कौन है, सिंगुलर ही, तो सिंगुलर हुआ, तो व्हेन डज फिर ही लगेगी, यानी कि सब्जेक्ट लगेगा। व्हेन डज ही फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है कि क्या गो, फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल, गो के साथ टू लगेगा, तो गो टू, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्कूल, गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट है हमारा तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। अब क्यों की इंग्लिश वाय, तो हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा पहले वाय, फिर डू या डज, तुम यानी कि यू, यू क्या है प्लूरल, तो यहाँ पे वाय डू, प्लूरल के संग हमेशा डू लगता है, तो भाई डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा तुम यानी कि यू, यू वाई डू यू सब्जेक्ट हो गया। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाते हो, तो वाई डू यू गो, वाई डू यू गो, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है वहां, तो इसका इंग्लिश होती है देयर, देयर, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू गो देयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बताया था, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, एंड बाय गाइज। इस वीडियो को आप भी देखना और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना, ताकि वो भी मेरे तरह आपकी तरह डांस सीख सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।